हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं आलू गोभी की एक सिंपल सब्जी। आप इस सब्जी को अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। मैंने इस सब्जी में मसालों का बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, जिससे ये सब्जी बच्चे भी खा सकते हैं। तो आप मेरी इस सिंपल रेसिपी को जरूर ट्राई करें, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस आलू गोभी की सिंपल सब्जी की रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू गोभी की सिंपल सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम कटे हुए छोटे टुकड़ों में गोभी। इसे मैंने धो के रखा है पहले से। दो आलू ले लिया है मीडियम साइज के, इसे भी धो के काट ले। एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 8 से 10 लहसुन कटी हुई, एक हरी मिर्च बारीक काट ले। तेल हम लेंगे 4 बड़े चम्मच, हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटा चम्मच, जीरा हम लेंगे आधी छोटी चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, और फ्रेश धनिया पत्ता ले ले 1/3 कप बारीक कटा हुआ। सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक पैन गरम करेंगे। पैन के गरम होते उसमें तेल डाल दें। तेल को अच्छी तरह गरम हो जाने देंगे। फिर हम इसमें ये जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च और लहसुन भी यहीं पे डाल दें। अब इन तीनों को हम कुछ सेकंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए लहसुन पक गया है, तो हम इसमें ये कटे हुए प्याज डाल देंगे। मिला दे प्याज को, और प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये प्याज जो है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे ये कटे हुए आलू डाल देंगे। मिला दे आलू को प्याज के साथ। आलू को हमें प्याज के साथ 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, आप चाहे तो पैन को कवर कर सकते हैं आलू को जल्दी पकाने के लिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे कि ये जो आलू है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें ये कटे हुए गोभी डाल देंगे। मिला दे गोभी को, और इस चम्मच से मिलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो मैं ये चेंज कर रही हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर दें। गोभी जो है जैसे जैसे पकता है वो थोड़ा सा गलता है। गोभी को हम आलू के साथ 3-4 मिनट तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे, इसे छोड़ दें। 3-4 मिनट बाद हम देखेंगे कि गोभी भी हल्का सा फ्राई हो चुका है, जैसे हमने आलू को पहले फ्राई किया था। तो ये आलू और गोभी को दोनों मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम मसाले डालेंगे। तो हल्दी पाउडर डाल दें, लाल मिर्च पाउडर, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, और गैस का फ्लेम लो रखें। ये देखिए गैस का फ्लेम लो रखा है मैंने। मिला दें मसालों को। नमक डालते ही गोभी जो है वो गलना शुरू हो जाएगा। हमने यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं यूज़ किया इस सब्ज़ी में, इसलिए गैस का फ्लेम लो रखें और इसे अच्छी तरह टॉस कर दें। और ये मैंने मसालों को मिक्स कर दिया अच्छी तरह। बस पैन को हम कवर कर देंगे और 12 से 15 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने दें। ये देखिए गैस का फ्लेम लो है, बस इसे छोड़ दें। बीच बीच में हम इसे ढक्कन खोल के एक बार चलाते रहेंगे ताकि सब्ज़ी जो है वो जले नहीं। आप चाहे तो इस सब्ज़ी में और भी मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये जो सब्ज़ी है वो अपने बच्चे के टिफ़िन के लिए बनाती हूँ, उसे बहुत पसंद आता है। तो अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसमें लाल मिर्च थोड़ा कम डालें। और ये मैंने एक बार मिक्स कर दिया, इसे वापस पैन को ढक दे और इसे पकने दे। टोटल 12 से 13 मिनट इसे पकाएं। ये देखिए गैस का फ्लेम लो रखे, और ये 13-14 मिनट बाद मैंने पैन का ढक्कन हटाया, इसे एक बार मिक्स किया, और ये सब्ज़ी जो है वो पक गई है। ये देखिए, तो एक बार फोक से इसे चेक कर ले कि आलू गोभी पका है कि नहीं। अगर नहीं पका है तो इसे 1-2 मिनट और पका ले। और यहाँ पे आलू गोभी अच्छी तरह पक गया है, तो ये हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई टिफ़िन वाली। गैस को ऑफ कर दें। अब हम लास्ट में यहाँ पे ये कटे हुए धनिया पत्ता डाल देंगे ऊपर से, इससे सब्ज़ी दिखने में भी अच्छा लगता है और धनिया पत्ता के फ्लेवर से सब्ज़ी और भी टेस्टी हो जाती है। तो मिला दें इसे। बस आपने देखा ये कितना सिंपल सब्जी है, बिना मसाले के और बिना मेहनत के। ये देखिए ये हमारी आलू गोभी की सूखी सब्जी टिफ़िन वाली तैयार हो गई है।
तो सर्व करने के लिए हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और आप इस आलू गोभी की सिंपल सब्जी को रोटी पूड़ी या पराठे के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।